Having any health problems and looking for the right solution? Watch Health A to Z, your total health solution. Get your all health problems solved by our specialist doctors. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रियंका सिंह। आप सब देख रहे हैं हेल्थ ए टू जेड। हेल्थ ए टू जेड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में 50 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को ज्वाइंट और पीठ का दर्द क्यों होता है और इस स्टेज को क्या कहते हैं? इस स्टेज को कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके बारे में मैं और भी जानकारी देने आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रवि साहूता जी, जो कि सीनियर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। सर से आइए खास बातचीत करेंगे और जानेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, साथ ही जानेंगे क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं और इस बीमारी को दूर करने के लिए क्या कुछ नियम अपनाए जाते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेल्थ ए टू जेड में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जोड़ों के दर्द और पीठ के दर्द से पीड़ित हैं, इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों? जनरली जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही हमारे जो शरीर में है उसमें डीजनरेशन की एक स्टेज आती है, जिसके कारणवश जॉइंट और स्पाइन में डीजनरेशन की होने के कारण आर्थराइटिस की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण जॉइंट में पेन, स्टिफनेस और ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती है। इस सब को थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए हमें पहले नॉर्मल जॉइंट की रचना के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। हमारा शरीर एक बोन का ढांचा है जी। जिसमें जोड़ जो है एंड दो, जहां पर दो दो बोन्स जो है आपस में जुड़ती हैं उस पर्टिकुलर एरिया को जॉइंट कहा जाता है जी। और जो बोन एंड्स होते हैं वो बेसिकली कार्टिलेज होती है, जो वाइटी स्ट्रक्चर बोन के एंड पे नज़र आता है। अब क्या होता है कि देर इज़ ए टाइम व्हेन There is a regeneration and degeneration which is simultaneously going on. मतलब एक तरफ से जोड़ जो है डैमेज होते जा रहा है और दूसरी तरफ से बॉडी उसको रिपेयर करते जा रही है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि ये जो रिपेयर प्रोसेस है वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है, जिसके कारण जो ये कार्टिलेज पार्ट है जो वाइटिश स्ट्रक्चर जॉइंट के एंड पे होता है ये डिजनरेट होना शुरू हो जाता है और ये अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता है। जब ये पूरी तरह से अपने आप को रिपेयर नहीं करता है तो ज़्यादा डिजनरेशन होने के कारण तराजू का बैलेंस डिजनरेशन का ज़्यादा हो जाता है और जॉइंट जो है डिजनरेट होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण नीचे का सरफेस कार्टिलेज जब डिन्यूड हो जाएगी तो बोनी पोर्शन नीचे का सरफेस जो है वो सामने आ जाएगा और ये दोनों बोनी कॉम्पोनेंट्स आपस में टकराएंगे। जॉइंट की रचना के लिए थोड़ा सा मॉडल के बारे में अगर आप देखें, थोड़ा सा ध्यान दें, ये नी जॉइंट है जिसमें बेसिकली ये नी कैप है और ये चारों तरफ की जो स्ट्रक्चर है इनको लिगामेंट्स कहा जाता है। ये वाला पोर्शन जो कार्टिलेजिनस पोर्शन है ये जो है इसको हम मेनिस्कस कार्टिलेज कहते हैं। जॉइंट की रचना इस तरह से है, जो जॉइंट की डिजनरेशन शुरू होती है वो इन पोर्शंस पे शुरू हो जाती है जहाँ पर वो कार्टिलेज जो है घिसनी शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली जॉइंट धीरे धीरे पेनफुल और अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क फैक्टर्स, जैसे ही उम्र बढ़ती है वैसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है। 45 की एज पे जैसे फीमेल्स मेनोपॉज अचीव करती हैं उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक्सेलरेशन हो जाती है। जो ओवरवेट होते हैं उनमें आर्थराइटिस बहुत आसानी से आ जाता है क्योंकि लोडिंग जॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है। टेक्निकली ये बताया जाता है, बायोमैकेनिकली अगर हम जॉइंट के ऊपर चलते हैं तो
4 टाइम्स दी बॉडी वेट एक कदम के ऊपर, खासतौर पे नी जॉइंट पे, और 8 टाइम्स दी बॉडी वेट हिप जॉइंट पे हर कदम पे जाता है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स के क्या क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं? जनरली ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स जो है जॉइंट में पेन के कारण प्रेजेंट करते हैं। मेन सिम्टम पेन होता है जो पेशेंट को डॉक्टर के पास लाता है। मॉर्निंग स्टिफनेस, पेन इनिशियली एक्टिविटी रिलेटेड होगा, सीढ़ी चढ़ने या उतरने में होगा, बहुत ज़्यादा एग्जर्शन और एक्टिविटी करने से बढ़ सकता है। लेकिन कई बार देर इज़ समथिंग कॉल्ड रेस्ट पेन, कुछ लोगों को रात को नींद जग जाती है, बेड में टर्न करने में पेन होने के कारण वो जग जाते हैं, इस तरह से नींद में डिस्टर्बेंस आ जाती है। और ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट थोड़ी देर अगर एक पोजिशन में बैठते हैं तो अगर वो एक्टिविटी इनिशिएट करते हैं, खड़े होने की कोशिश करते हैं, तो जॉइंट के अंदर बहुत सारी पेन स्टिफनेस की फीलिंग देती है। और ये मतलब इस तरह के पेशेंट बेचारे 10 बार सोचते हैं कि उठ के चलें या नहीं चलें, इसके कारण भी पेन जो है काफ़ी कुछ बढ़ जाता है। सर जैसे कि आपने अभी बताया कि इस तरह के पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें चलने उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो इनको डायग्नोस कैसे किया जाता है? प्रियंका जी, ये जो पेशेंट्स होते हैं इनका डायग्नोसिस बहुत आसानी से किया जा सकता है क्लिनिक में बैठ के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हिस्ट्री। पेशेंट आपको बताएगा कि उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस तरह से है। जैसे मैंने अभी आपको सिम्टम्स के बारे में बताया, तो बहुत सारे पेशेंट हिस्ट्री में ही आपको बहुत सारी चीज़ें बता देंगे, पेन कैसी है, पैटर्न कैसा है, कब ज़्यादा होता है, किस एक्टिविटी से प्रॉब्लम बढ़ती है। और दूसरी सिंपल डायग्नोसिस करने का तरीका होता है एक्सरे। हम इन पर्टिकुलर खास तौर पे नी जॉइंट को अगर हम फोकस करते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस वैसे तो नी, हिप, स्पाइन सभी जगह होता है। जो खास तौर पे लोअर लिम्ब के जॉइंट्स होते हैं उनमें लोडिंग ज़्यादा होने के कारण सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम नी जॉइंट में होती है जी। और इनका जो हम करते हैं बेसिकली एक्सरे करते हैं, और एक्सरे खास तौर पे स्टैंडिंग पोजीशन में किया जाता है जब जॉइंट को लोड करते हैं। और जब हम एक्सरे को देखते हैं, जनरली एक्सरे में दो चीज़ें बहुत कॉमनली बताई जाती हैं। एक, जॉइंट में स्पेस कम हो गया है। जॉइंट का स्पेस, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जॉइंट के एंड का जो पोर्शन है वो कार्टिलेज कवर करती है, और कार्टिलेज एक्सरे पे नहीं दिखती है। और जब कार्टिलेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डीजनरेट होने के कारण कार्टिलेज वहाँ से डिसअपियर हो जाएगी, तो उसके कारण जॉइंट जो है आपस में बहुत क्लोज आ जाएंगे, और जब क्लोज आ जाएंगे तो वो जॉइंट का स्पेस जो जनरली नज़र आ रहा होता है वो बहुत कम हो जाएगा, जिसको रिडक्शन इन जॉइंट स्पेस बोला जाता है। अभी तक हमने डॉक्टर साहब से जाना कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और इसे डायग्नोस किस तरीके से किया जाता है। आगे सर से हम जानेंगे कि इसका समाधान किस तरीके से किया जाता है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।